सर एनीमिया है, ये हाइपोग्लाइसीमिया है, हो जाएगा। यस सर, यस सर, ये सब नहीं। यस सर, ऑर्डर माता की फॉर्मेशन है और कमजोर ये दिखने लगता है, वीकनेस हो जाता है। एनीमिया, इमेसिएशन, इमेसिएशन और अब हाइपोप्रोटेमिया, अंडुलेंट फीवर। यस सर, ये भी है। अंडुलेंट फीवर, अंडुलेंट फीवर मींस इंटरमिटेंट फीवर्स, कभी ठंडा लगे लगेगा, कभी जाड़ा गर्मी लगे लगेगा, कभी टेम्परेचर बॉडी का हाई रहेगा, कभी टेम्परेचर लो रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। देन स्टॉप, हम शुरू कर रहे हैं। यस सर, यस सर। एनीमिया, सर्कलिंग मूवमेंट, इसमें इन्फेक्टेड एनिमल्स कीप इन ए सर्कलिंग मूवमेंट। देन इन सम एनिमल्स, इन केस ऑफ डॉग, सम स्पेसिफिक सिम्टम फाउंड, दैट इज कोरोनियल ओपेसिटी। डॉग के केस में कोरोनियल ओपेसिटी स्पेसिफिक सिम्टम मिलता है, मींस ब्लूइश कलर ऑफ आई। अनदर इंपॉर्टेंट सिम्टम इन केस ऑफ डॉग इज होरेसेस वॉइस, सिमिलर टू रेबीज, सिमिलर टू रेबीज, बिकॉज इन दिस डिजीज इन सर्रा एडिमा ऑफ द लैरिंग्स अकर्स। Diagnosis of the Trypanosoma evansi, first on the basis blood of blood smear examination. Yes. First blood smear is bed blood smear examination. Microscopic examination of bed blood means इसमें one drop of blood of suspected animal एक glass slide पर लेते हैं, then examine under 10x objective. तो इसमें कैसा टिपेनोसोमा, लिविंग टिपेनोसोमा मूवमेंट दिखाई पड़ेगा आपको। बट दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द अक्यूट एंड पेरिक्यूट टिपेनोसोमा एवेंसाई इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन में जनरली पेरिफेरल ब्लड में टिपेनोसोमा एवेंसाई नहीं आता है सर्कुलेशन में, तो इन्फेक्शन रहते हुए भी निगेटिव मिलने की संभावना रहती है। तो बेट ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन जनरली अक्यूट एंड पैराक्यूट केस ऑफ सर्रा में सुटेबल है। देन ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन, ब्लड स्मेयर, तो ब्लड स्मेयर टेक द ब्लड ऑफ सस्पेक्टेड एनिमल्स, देन प्रिपेयर द स्मेयर, देन स्टेन विद द जिम्सा एंड लिस्मन स्टेन। तो देन अंडर 100x ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज वॉयल इमर्शन में यदि देखते हैं, वॉयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस में, तो टिपेनोसोमा एवेंसाई ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा, बिकॉज इट इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट आउटसाइड द, ये सब आरबीसी है, ये सब टिपेनोसोमा एवेंसाई आउटसाइड द आरबीसी है, ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस मेथड ऑफ टिपेनोसोमा इज एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, बिकॉज दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर लैटेंट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, जिसमें टिपेनोसोमा इन्फेक्शन लैटेंट है या क्रोनिक है, उसमें टिपेनोसोमा एवेंसाई पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आ पाता है, जबकि बॉडी के अंदर टिपेनोसोमा है। तो इसके लिए हम ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन में निगेटिव आएगा, तो इसके लिए हम 0.5 ml सस्पेक्टेड ब्लड माइस में, जनरली एल्बिनो माइस में इंट्रापेरिटोनली इंजेक्ट करते हैं, एंड देन इस माइस के टेल से एक ड्रॉप ब्लड लेके या बेड ड्रॉप स्मियर बनाते हैं, तो उसमें लिविंग टिपेनोसोमा मिलेगा अल्बिनो माइस के बेड ड्रॉप ब्लड स्मियर में, या जिम्सा स्टेनिंग करने से इसके ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा आपको टिपेनोसोमा एवेंसाई। विदिन 3 दिन तक इसको देखना है, हर एक दिन इसको देखना है। यदि 3 दिन तक इन्फेक्शन आया, यदि एल्बिनो माइस में समझते हैं, तो सस्पेक्टेड जिस एनिमल का ब्लड इसमें इनकुलेट किए हैं वो पॉजिटिव है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लैटेंट एंड क्रोनिक ट्रिपेनोसोमा इन्फेक्शन। अनदर डायग्नोसिस मेथड सब केमिकल मेथड है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा फॉर एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से। अस्टिल्वा मिडिन टेस्ट, दिस इज इन विच अस्टिल्वा मिडिन आइसोथायनाइट केमिकल यूज एंड यूज फॉर ओनली बोवाइन मर्क्यूरी क्लोराइड
टेस्ट इज यूजफुल फॉर कैमेल। तो ये दो केमिकल टेस्ट है, इसको भी याद रखिएगा, अस्टिल्वा मिडिन टेस्ट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट। देन डायरिया सीरोलॉजिकल टेस्ट इज आल्सो यूज्ड, मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसी पीसीआर इन व्हिच डीएनए सीक्वेंसिंग ऑब्जर्व आर फाइंड आउट इन केस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। देन ट्रीटमेंट ऑफ सर्रा, ड्रग ऑफ चॉइस इज क्यूनापारामिन साल्ट, ड्रग ऑफ टिपैनोसोमा इवेंसाई इज, या ट्रीटमेंट ऑफ सर्रा का ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इज क्यूनापारामिन साल्ट, व्हिच अकर्स इन टू साल्ट क्यूनापारामिन क्लोराइड एंड सल्फेट एंड मार्केटेड बाय अंडर द ट्रेड नेम ट्राइक्यून, व्हिच कंटेन टू साल्ट क्यूनापारामिन क्लोराइड 1 ग्राम एंड क्यूनापारामिन सल्फेट 1.5 ग्राम एंड डोज इज 0.25 mg पर केजी बॉडी वेट सबकट। इसमें सबकट ही देते हैं, सबक्यूटेशनली ही देते हैं इस ड्रग को, इसको याद रखना है। क्यूनापारामिन साल्ट इनोकुलेटेड या इंजेक्टेड इनटू द होस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइपैनोसोमा इवेंसाई और सर्रा थ्रू द सबक्यूटेनियस रूट। दो साल्ट है, दोनों साल्ट का अलग अलग फंक्शन है। क्यूनापारामिन साल्ट एक्ट एज ए क्यूरेटिव, मींस इस क्यूनापारामिन सल्फेट यदि सिर्फ देते हैं तो उसको सिर्फ क्योर करता है टिपैनोसोमा इवेंसाई को, सर्रा को, लेकिन यदि क्यूनापारामिन क्लोराइड यूज करते हैं तो इट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ सर्रा इन द होस्ट अप टू द 70 डेज और 4 मंथ। 70 डेज तक ये सर्रा होने नहीं देगा। तो क्यूनापारामिन क्लोराइड एक्ट एज ए प्रोफाइलेक्टिक एजेंट, बिकॉज ये सर्रा को अक्रेंस से प्रिवेंट करता है होस्ट के अंदर। यदि हम इंजेक्ट कर देते हैं क्यूनापारामिन क्लोराइड तो सर्रा को 70 तो होस्ट में 70 दिन तक सर्रा से तो होने से रोकता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज क्यूनापारामिन साल्ट। And another drug is effective against the Trypanosoma evansai of Sarra is Dimenazine Acetate. इसको सबकट IM इंट्रावेनस यूज करते हैं। थोड़ा बंद कीजिए अपना बैक साउंड। मेरा बंद है सर। Then another drug is isometamidium chloride. This drug also act as a curative as well as prophylactic. Curative and prophylactic का मतलब समझ रहे हैं? Curative use to cure the infection. Infection को cure करने के लिए. And prophylactic preventive measure use करते हैं. Preventive measure के लिए रोग को होने से बचाने के लिए. The dose different है isometamidium chloride का. Curative में 0.5 mg per kg body weight and 1 mg per kg body weight is prophylactic dose of isometamidium chloride. So cunaparamin chloride and isometamidium chloride work as a chemoprophylaxis. Chemoprophylaxis means the chemical which prevent the occurrence of disease, which prevent the occurrence of infection, which prevent the disease. सर्रा डिजीज को होने से, ट्रिपैनोसोमा इवेंसाई को इन्फेक्शन के होने से रोकता है ये दोनों साल्ट, क्यूनापारामिन क्लोराइड एंड आइसोमेटामीडियम क्लोराइड। दिस इज बोथ आर केमिकल, सो एक्ट एज ए कीमोप्रोफाइलेक्सिस। एंड सम दिस इज द मेन ड्रग एंड सम सपोर्टिव थेरेपी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपैनोसोमा इवेंसाई और डिजीज सर्रा, बिकॉज इट काउज हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है, इसलिए डेक्सट्रोज का सलाइन किया जाता है कि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए टू फास्टर रिकवरी। तो इसको याद रखिएगा, सपोर्टिव थेरेपी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्रा बिकॉज इट काउज हाइपोग्लाइसेमिया, so that can be injected dextrose as a supportive therapy.
सर सर्रा में कैसा दिखता जानवर सर, कुछ तो स्पेशल करैक्टरिस्टिक होगा। इमेसिएटेड, पहले दिखाए होंगे हम पिक्चर, देखिए आदि इमेसिएटेड, देखिए इमेसिएटेड, क्योंकि सर्रा का मीन्स ही है, सर्रा मीन्स रोटेन, इसमें इन्फेक्टेड बॉडी का, इन्फेक्टेड बॉडी बिकम इमेसिएटेड, इसलिए इसको रोटेन, सड़ा गला हो जाता है, सड़ जाता है बॉडी कहता है, जैसे इसका मीन्स है, दुबली पतली एकदम। हाँ, और सर्कलिंग मूवमेंट करता है, थोड़ी थोड़ी दूर पर पेशाब करेगा, हेड प्रेसिंग अगेंस्ट द हार्ड ऑब्जेक्ट, अपने अपने हेड को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराते रहेगा, क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल बॉडी का डाउन हो जाता है, ब्रेन का मेन फूड है ग्लूकोज ही, तो ग्लूकोज का कमी होने पर ब्रेन में ग्लूकोज में इरिटेशन होने, ब्रेन में इरिटेशन होने लगता है, जिसके कारण सारा इन्फेक्टेड कैटल अपने हेड को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते रहता है ड्यू टू द हाइपोग्लाइसीमिया। अ सर्कलिंग मूवमेंट इसमें होता है, क्योंकि ब्रेन में ग्लूकोज की कमी हो जाता है तो इरिटेशन होता है ब्रेन में, जिसके कारण वो सर्कलिंग मूवमेंट भी करता है, तो जहां भी ग्लूकोज का कमी होगा वहां पर नर्वस सिम्टम आएगा, जैसे भी पढ़ेगा जहां पे भी ग्लूकोज का कमी होगा वहां पे नर्वस सिम्टम आता है, तो यहाँ भी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो सर्कलिंग मूवमेंट हेड प्रेसिंग अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट नर्वस सिम्टम अकर। एंड देन देखिए डॉग के केस में स्पेसिफिक सिस्टम कॉर्नियल ओपेसिटी होता है, ब्लूइश कलर ऑफ आइस हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अनदर डिजीज में भी होता है, जैसे इर्लिचियोसिस का इन्फेक्शन होगा उसमें भी होगा ये, तो लेकिन ट्रिपैनोसोमा में स्पेसिफिक सिम्टम है इन केस ऑफ डॉग कॉर्नियल ओपेसिटी एंड ओडिमा ऑफ लैरिंक्स दैट लीड्स टू चेंजेस ऑफ वॉइस सिमिलर टू फाउंड इन रैबीज। तो ये दोनों को याद रखिएगा, डॉग में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होता है। सर डॉग में भी सर्कलिंग मूवमेंट होता है? डॉग में सर्कलिंग मूवमेंट नहीं होता है, डॉग में सर्कलिंग मूवमेंट नहीं होता है, जनरली कैटल बुफैलो हॉर्स में भी सर्कलिंग मूवमेंट होता है, और सर्रा कैटल की अपेक्षा बुफैलो में ज्यादा होगा, बुफैलो कैटल की अपेक्षा बुफैलो में, कोई भी याद रखना है। देन कंट्रोल ऑफ ट्रिपैनोसोमा, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो पहला तो है कि टेबनस फ्लाई के कंट्रोल करके, क्योंकि टेबनस वेक्टर एक्ट एज ए वेक्टर, उसी के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, तो वायरस मेथड है बाय स्प्रेइंग उसके ब्रीडिंग को, ब्रीडिंग हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके, पेस्टिसाइड छिड़क देंगे, ब्रीडिंग हैबिट जहां पर वो टेबनस ब्रीडिंग करता है उसके हैबिटेट को, जनरली फिशेज पर वो डंक पर एग लेइंग करता है, या नियर द वाटर हैंगिंग जो हैंगिंग रहता है लीफ उस पे एग लिंक करती है टेबनस, तो उसके डिस्ट्रॉय करके हम टेबनस के पॉपुलेशन को करके कम करके सर्रा को ट्रिपैनोसोमा एभिन्साई को रिड्यूस कर सकते हैं। अनदर कंट्रोल मेथड इज बाय यूजिंग कीमोप्रोफाइलेक्सिक ड्रग, जैसा पहले हम बता चुके हैं आइसोमेटामिडियम क्लोराइड एंड क्विनोपारामिन क्लोराइड एक्ट एज ए कीमोप्रोफाइलेक्सिस, बहुत शॉर्ट नोट्स आएगा ये, व्हाट इज कीमो प्रोफाइलेक्सिस, जैसे हम वैक्सीन यूज करते हैं तो वो इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस हुआ, लेकिन यहाँ केमिकल यूज कर रहे हैं टू प्रिवेंट द अंकरेंस ऑफ डिजीज, जो डिजीज को अंकरेंस से इन्फेक्शन के अंकरेंस को रोक रहा है, तो इस नोन एज कीमो प्रोफाइलेक्सिस। तो बोथ साल्ट आइसोमेटामिडियम क्लोराइड एंड क्विनोपारामिन क्लोराइड act as a chemoprophylaxis drugs against the Trypanosoma evansi. Some breed is resistance against the Trypanosoma, that is known as Endama cattle, is South Africa mein milta hai, this is the genetically resistance breed of Trypanosoma. So by breeding program we can develop genetically resistance breed through this method we can reduce the Trypanosoma evansi infection, because
बिकॉज नो वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट द टाइपनोसोमा एवेंसाई, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्यों? आवाज मेरी सुन रहे हैं? एंटीजेनिक वेरिएशन का चलता है सर, वेरिएशन के कारण सर। हाँ, एंटीजेनिक वेरिएशन, एंटीजेनिक वेरिएशन इसमें जरूर याद रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट शो मोस्ट ऑफ द मोस्ट एंटीजेनिक वेरिएशन, तो टाइपनोसोमा होगा। बिकॉज टाइपनोसोमा स्पीसीज, टाइपनोसोमा इसमें इसके सरफेस बॉडी सरफेस पर मोर देन 1000 टाइप ऑफ एंटीजन रहता है और अपने एंटीजन को रेगुलर चेंज करते रहता है, गिराते रहता है। तो थोड़ी थोड़ी इंटरवल पर अभी एंटीजन है उसको आइडेंटिफाई मैंने कर लिया और वैक्सीन उसके अगेंस्ट प्रिपेयर कर लिया, लेकिन वो वैक्सीन यदि इंजेक्ट करेंगे तो वैक्सीन पूरी तरह काम करने के पहले अपने एंटीजन को गिरा देता है, प्रीवियस एंटीजन को, और न्यू एंटीजन अपने बॉडी सरफेस पर ले आता है। तो जो वैक्सीन हमने इनोकुलेट किया है वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से हो सकता, इसी तरह से होता है। तो ये टाइपनोसोमा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एंटीजेनिक वेरिएशन, जिसके कारण इफेक्टिव वैक्सीन डेवलपमेंट में डिफिकल्टी हो रहा है। सिक्स्टोसोमा पढ़े होंगे, उसमें भी एक कुछ। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है सर कि सपोर्टिव थेरेपी में जो आप बोले कि हाइपोग्लाइसीमिया का केस हो जाता है तो डेक्सट्रोज दिया जाता है, तो इसमें सर एनेमिक केस भी होता है, तो उस कंडीशन में सर एरिथ्रोपोएटिक ड्रग्स और विटामिन बी12 भी दिया जाता है। वो तो सपोर्टिव चलेगा, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ग्लूकोज का, डेक्सट्रोज का सलाइन बहुत जरूरी है। वो तो नहीं दीजिएगा अभी तो चल, माने थोड़ा देर से रिकवरी होगा, लेकिन सपोर्टिव ड्रग में आयरन प्रिपरेशन भी दे सकते हैं, देना चाहिए भी, लेकिन ग्लूकोज का थेरेपी बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिक हो जाता है इनमें, और उसमें एनर्जी ही नहीं बचता है, जिसके कारण डेथ भी होता है, एस्फेक्सिया होता है हाइपोग्लाइसीमिया कारण, एस्फेक्सिया होता है जिस कारण डेथ ऑफ द इन्फेक्टेड, इसीलिए डेक्सट्रोज का सलाइजर तो बहुत जरूरी है। और वो आयरन प्रिपरेशन जो भी एनीमिया को रेक्टिफाई करने के लिए आयरन प्रिपरेशन ड्रग है वो भी देना चाहिए। और कुछ? देन अनदर, हम आते हैं अनदर स्पीसीज ऑफ टाइपनोसोमा, टाइपनोसोमा इक्विपार्डम। फाइनल होस्ट इज हॉर्स डंकी एंड नो वेक्टर रिक्वायर्ड, कोई भी वेक्टर इस टाइपनोसोमा को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं होता है, बिकॉज इट ट्रांसमिटेड मैकेनिकली बाय क्वार्टस, ये भी मैकेनिकली होता है, क्वाइटस के द्वारा, ड्यूरिंग सेक्सुअल क्वाइटस के द्वारा फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट टू, इन्फेक्टेड होस्ट टू अनदर होस्ट में जाता है। तो एक ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइपनोसोम रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, बट टाइपनोसोमा इक्विपार्डम डज नॉट रिक्वायर्ड एनी आर्थ्रोपोड वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछता है कौन सा टाइपनोसोमा है जो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, तो इसमें सेक्सुअली क्वाइटस के द्वारा है, मैकेनिकली डिजीज। हॉर्स में ही मिलेगा ये, लेकिन ये डिजीज इंडिया से इरिडिकेट कर दिया गया, इंडिया में अब नहीं होता है डिजीज, नहीं टाइपनोसोमा इक्विपार्डम काउज डिजीज, ये वेनेरियल डिजीज, क्योंकि सेक्सुअल क्वाइटस के द्वारा ट्रांसमिट होता है, नोन एज डाउरिन। इस वर्ड को भी याद रखिएगा, डाउरिन इज काउज बाय टाइपनोसोमा इक्विपार्डम, इंडिया में नहीं होता है। देन डाउरिन अकर्स इन थ्री फेज, फर्स्ट फेज इज स्टेज ऑफ ओडिमा, जिसमें ओडिमा, ओडिमेसस, स्वेलिंग ऑफ पेनिस, स्क्रोटम, प्रीप्यूस and propitious discharge in mare, this is a stage of odema, इसमें generally affected organs odematous हो जाता है। Then after the stage of odema, disease goes to second phase, articarial plague, जैसे टाइपनोसोमा एवेंसाई का भी horse में symptom आता है, horse में एक symptom आता है कि articarial plague neck and flank region में होता है, कल मैंने बताया था, याद है, articarial plague in neck and flank region of the infected horse in case of टाइपनोसोमा एवेंसाई, in case of डाउरिन
ओडिमेसर प्लेक अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर इन अंडर द स्किन, स्किन के नीचे डेवलप होता है, नोन एज डॉलर स्पोर बिकॉज इज सिमिलर टू डॉलर, डॉलर के जैसा इसका शेप होता है लीजन का, डॉलर स्पोर्ट लीजन का, इसीलिए इसको डॉलर स्पोर्ट कहा जाता है। तो डॉलर स्पोर्ट्स लीजन फाउंड बीनीथ द स्किन इन केस ऑफ टिपैनोसोमा इक्यूपर्डम इन्फेक्शन, दिस फाउंड इन द सेकेंड फेज ऑफ डिजीज देन ट्रीटमेंट इज डाइमिनाजिन एंड स्लॉटर ऑफ द इन्फेक्टेड होर्स। अनदर टिपैनोसोमा स्पेसिस टिपैनोसोमा इक्वाइनम, वेक्टर इज टेबनस फ्लाई लाइक टू टिपैनोसोमा एफेंसाई एंड इट काउ डिजीज इज माल्डी कैडारस, दैट इज वीकनेस ऑफ हाइंड क्वार्टर, हाइंड क्वार्टर वीकनेस हो जाएगा एंड काउज बाय टिपैनोसोमा इक्वाइनम, इसको भी याद। देन स्पेशल कैरेक्टर जो पहले मैं बता चुका हूँ, टिपैनोसोमा है एंटीजेनिक वेरिएशन ड्यू टू वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीनस एंटीजेन, इसको याद रखिएगा। ड्यू टू दिस एंटीजेनिक कैरेक्टर टिपैनोसोमा डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट टिपैनोसोमा इज डिफिकल्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिजीज है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टिपैनोसोमा। कुछ हम 5 मिनट में इसको थोड़ा रिमाइंड कर देते हैं। टिपैनोसोमा कम्स अंडर द फैमिली टिपैनोसोमेडी फैमिली। टिपैनोसोमेडी फैमिली कंटेन टू जीनस टिपैनोसोमा एंड लिस्पैनिया, बोथ आर फ्लैजलेट हीमोफ्लैजलेट बिकॉज इट कंटेन फ्लैजेला। 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस फाउंड, टिपैनोमास्टिगोट स्टेज, एपीमास्टिगोट स्टेज, प्रोमास्टिगोट स्टेज एंड एपीमास्टिगोट स्टेज। किसी में एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप होता है, किसी में नहीं होता है, कोई वेक्टर में पाया जाता है, कोई वर्टिब्रेट में, कोई दोनों में पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। देन टिपैनोसोमा इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट, वन एक्सेप्शन इज टिपैनोसोमा कुर्जाई इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, जीनोटिक पैरासाइट है टिपैनोसोमा कुर्जाई, मैन में भी होता है, डॉग में काउच चेगास डिजीज जो बता चुके हम लिस्ट में। देन जनरली मोनोमॉर्फिक होता है 15 to 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन वेल डेवलप, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ द टिपैनोसोमा। टिपैनोसोमा ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन होस्ट टू अदर साइक्लिकल और मैकेनिकल, साइक्लिकल में डेवलपमेंट होस्ट के अंदर होता है, नॉन साइक्लिकल में नहीं। साइक्लिकल में एंटीरियर स्टेशन डेवलपमेंट सलिवेरिया, इन दिस केस टिपैनोसोमा डेवलप इन टू 4 गट ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के अंदर 4 गट में टिपैनोसोमा का डेवलपमेंट होता है, उसको सलिवेरिया कहते हैं। दीज आर द एंटीरियर स्टेशन डेवलपमेंट टिपैनोसोम। देन पोस्टीरियर स्टेशन डेवलपमेंट टिपैनोसोम, टिपैनोसोम डेवलप इनसाइड द वेक्टर इनटू हाइंड गट एंड मिड गट एंड पास इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टिपैनोसोम पासेस थ्रू द फिशेस। फिशेस के द्वारा इसका होता है, बाइटिंग के द्वारा नहीं होगा इन्फेक्शन, इसमें फिशेस ऑफ द वेक्टर के द्वारा इन्फेक्शन होगा। This is posterior station development. This is the Kurzai Thaleri Myelophagium is an example of posterior station development. Mechanical transmission, most common example is Trypanosoma evansai and Trypanosoma equipartum. क्योंकि development host के अंदर नहीं होता। These are the some Trypanosome. Genotic Trypanosome is Trypanosoma rhodesiensis, Trypanosoma gabiensis, and Trypanosoma Kurzai. There are genotic Trypanosoma evansai is also reported genotic. Then largest Trypanosoma is Thaleri, the smallest is the Trypanosoma congolens. इसको याद रखिएगा, Trypanosoma evansai discovered by Griffith Evans in 1818 in horse and camel, found in the blood plasma. Scientist का नाम भी याद रखना पड़ेगा सर, Griffith Evans भी। इवांस के नाम पर, उसी के नाम पर ये पड़ा है टिपैनोसोमा एवेंसाई। इंडिया में ही डेवलप, इंडिया में ही खोजा था, जो अभी पाकिस्तान में है, स्टेट है डेरिया इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, प्रेजेंटली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। यूरोजीनस पैरासाइट है क्योंकि बहुत वाइड रेंज ऑफ होस्ट होता है, एवेंसाई का इन्फेक्शन सीवियर होता है कैमल हॉर्स एंड डॉग में, कैमल आर मोस्ट सेटेबल
डॉग एंड कैटल एंड बुफालो में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जनरली होता है। ऐसे में मेनली इन्फेक्शन कैमल हॉर्स एंड डॉग में होता है। ट्रांसमिशन इंटरप्टेड बाइटिंग, ये याद रखिएगा क्योंकि 10-15 मिनट ही प्रोबोसिस में, टेबनस के प्रोबोसिस में जिंदा रहता है, तो तुरंत तुरंत बाइटिंग काटना टिपैनोसोमा का हेल्प करता है ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन 10-15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। डॉग कार्निवोरस एनिमल्स एंड टाइगर में इन्फेक्शन टिपैनोसोमा इन्फेक्टेड मीट या कारकस के खाने से भी डॉग में इन्फेक्शन या टाइगर में इन्फेक्शन होता है। डिजीज जनरली इसको कहते हैं सर्रा, सर्रा मीन्स रॉटेन। इन कैमेल में सर्रा को टाइबर्सा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनक्यूबेशन पीरियड डिजीज परसिस्ट अबाउट 3 इयर्स। पैथोजेनेसिस में एनीमिया काउज करता है, हाइपोग्लाइसीमिया काउज करता है, एंडुलेटिंग फीवर काउज करता है, सेल डिजनरेशन काउज करता है। सिम्टम्स जनरली एनीमिया, आर्टिकुलर प्लेक और नेक इन्फ्लैक रीजन इन केस ऑफ हॉर्स, इंटरमिटेंट फीवर तो कॉमन सिम्टम है, देन ओडिमा ऑफ लेग, लेग और बॉडी का होगा, कंजक्टिवाइटिस भी हॉर्स में होता है, देन सर्कलिंग मूवमेंट, अबॉर्शन इन सब केसेस, पैरालिसिस ऑफ हैंड लिम्ब। सर्रा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्रा मोस्टली सब क्लिनिकल कैटल बुफाल में, सो कंसीडर एड मेन रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन फॉर द इक्वाइन, रिजर्वायर इक्वाइन के लिए। बट स्ट्रेस में जब एनिमल आता है, वैक्सीनेशन के समय जब इम्यूनिटी बॉडी का लो होता है, तो सर्रा इन्फेक्शन अंदर है उसका एक्यूट एंड पेरिक्यूट सिम्टम शो करने लगता है। सर्रा जनरली बुफालों में होता है, जनरली सर्रा पोस्ट रेनी सीजन में अगस्त टू अक्टूबर होता है, बिकॉज यस क्यों होता है, बिकॉज टेबनस फ्लाई उस समय मॉस्किटो के आबादी ज्यादा हो जाता है सर, ज्यादा आबादी हो जाता है फ्लाई का, इसलिए होता है, दुनिया में मक्खी का आबादी बढ़ जाता है। देन डायग्नोसिस बेट ब्लड स्मियर, जिसमें लिविंग टिपैनोसोमा का एग्जामिन करेंगे, लेकिन पैरेक्यूट एक्यूट जब सिम्टम पूरी तरह दिखाई पड़ रहा है तो उस समय एक ड्रॉप ब्लड लेके देख सकते हैं, उसमें स्टेनिंग की कोई जरूरत नहीं होता, तो लिविंग टिपैनोसोमा चलते हुए नजर आएगा। देन ब्लड स्मियर एग्जामिनेशन करेंगे, जिमसाइन लिस्मन स्टेनिंग करेंगे तो उसके ब्लड प्लाज्मा में मिलेगा। एनिमल एलुकुलेशन टेस्ट करते हैं, इसमें अल्बिनो माइस का यूज करते हैं फॉर क्रोनिक एंड लैटेंट टिपैनोसोमा एवेंसाई इन्फेक्शन, जब अंदर पैरासाइट है बॉडी के अंदर लेकिन वो सिम्टम नहीं आ रहा है पूरी तरह, क्योंकि यदि क्रोनिक इन्फेक्शन में पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आता है तो उसके ब्लड पेरिफेरल ब्लड से स्मेयर बनाने पर वो ब्लड स्मेयर निगेटिव हो सकता है, उस केस में 0.5 ml सस्पेक्टेड ब्लड लेंगे सस्पेक्टेड होस्ट से, देन इनकुलेट करेंगे माइस के अंदर, देन माइस के टेल टिप ऑफ द टेल काट के एक ड्रॉप ब्लड लेके लिविंग टिपैनोसोम को देख सकते हैं या स्मेयर बना के इसको डायग्नोसिस करते हैं। यदि माइस के ब्लड में टिपैनोसोमा मिल गया तो समझते हैं कि सस्पेक्टेड ब्लड जो इनोकुलेट किए हैं इसमें वो पॉजिटिव है टिपैनोसोमा का। केमिकल टेस्ट, स्टिल्वामिडिन टेस्ट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट। ड्रग ऑफ चॉइसिस क्विनोपारामिन साल्ट, दो इस साल्ट होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट। सल्फेट एक्ट एज ए क्यूरेटिव विच क्योर द इन्फेक्शन, सल्फेट क्लोराइड एक्ट एज ए प्रोफाइलेक्टिक विच प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ सर्रा डिजीज और टिपैनोसोमा एवेंसाई। आइसोमेटामिडियम क्लोराइड आइसो एक्ट एज ए क्यूरेटिव एंड प्रोफाइलेक्टिक। देन कीमोप्रोफाइलेक्सिस, याद रखिएगा टर्म को, द केमिकल विच प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज दैट इज सो नोन एज कीमोप्रोफाइलेक्सिस। द कीमोप्रोफाइलेक्टिक ड्रग इज आइसोमेटामिडियम क्लोराइड एंड क्विनोपारामिन क्लोराइड। एंडामा कैटल जो अफ्रीकन कैटल अफ्रीकन ब्रीड है, ए ट्रिप्नो टॉलरेंट ब्रीड है, ए रेजिस्टेंस है इसमें टिपैनोसोमा का इन्फेक्शन नहीं होता है। टिपैनोसोमा इक्यूपर्डम हॉर्स एंड डक इज फाइनल होस्ट, इट डाउरिन
इट इज नाउ इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया, इंडिया से इरेडिकेट कर दिया गया है। डिजीज अकर्स इन थ्री स्टेजेस, स्टेज ऑफ ओडेमा, अर्टिकेरियन फेज एंड स्टेज ऑफ पैरालिसिस। तीन स्टेज में डिजीज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ टिपैनोसोमाइक पार्टम इज डायमिनाजिनेस एसोसिएट एंट्रीसाइड एंड सेकेंड इज स्लॉटरी ऑफ द इन्फेक्टेड हॉर्सेस टू कंट्रोल द डिजीज।